गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आपको मेरा भी एक न्यू लुक दिख रहा होगा और इस न्यू लुक का यही शेयर आपको एक न्यू रेसिपी दिखाने वाले हैं फ्रेंड्स। और जो हमारी मैंगो जूस की रेसिपी हमने आपको दिखाई थी, उसमें हमें किसी ने हमें कमेंट किया था कि मैंगो से रिलेटेड कोई और भी हमें रेसिपी दिखाइए, और वो मेरे भी विश थी। थैंक यू ये कमेंट डालने के लिए भाई, मेरी भी विश पूरी होने जा रही है फ्रेंड्स। आज हम बनाने वाले हैं, गेस गेस, मैंगो से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स फाइनली बता ही देती हूँ क्यों इतना इंतजार करवाया। मैं और मम्मी बनाने जा रहे हैं मैंगो आइसक्रीम विद कैरमल क्रस्ट। कैरमल क्रस्ट तो सब बच्चों का फेवरेट होता है फ्रेंड्स, और मेरा तो बहुत फेवरेट है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हैं आइसक्रीम बनाने के लिए। देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, सबसे पहले बादाम और काजू मैंने लिए हैं, इनको काट लिया है मैंने चाकू से। और ये फ्रेंड्स चीनी ली है, और हम बनाएंगे कैरेमल क्रंच। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने बटर लिया है, आप घी भी ले सकते हैं एक चम्मच। अब गैस की फ्लेम को हम जला देते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बनाना। कढ़ाई मैंने चढ़ा ली है, आप फ्राई पैन भी ले सकते हैं इसके लिए। जब ये हल्की सी गर्म हो जाए तो इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम अभी भी चला ही रहे हैं, चलाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स चीनी मेल्ट होने लग रही है धीरे धीरे, हम इसे कंटिन्यूसली चला रहे हैं। 5-7 मिनट हो चुके हैं चलाते हुए, और इसमें हम अब डालेंगे मक्खन। ये मैंने अमूल मक्खन लिया है, वो मैंने डाल दिया है। और अच्छे से अब इन दोनों को, चीनी को और बटर को, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे, चीनी हमारी बिल्कुल पिघल चुकी है बहुत ही अच्छी तरह। और अब हम यहाँ पे स्टेज पे ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं फ्रेंड्स। इसका यूज़ हम बटरस्कॉच के आइसक्रीम में, आपने देखा जो क्रंची क्रंची टाइप होता है वो यही होता है। और थोड़ा सा मैंने एक प्लेट पे ऑयल लगा दिया है, ऑयल नहीं है फ्रेंड्स, देसी घी ही है ये, आप ऑयल भी लगा सकते हैं। और ये देखिए अब मैंने इसको उसमें डाल दिया है, ठंडा होने के बाद फ्रेंड्स ये अपने आप ही अपनी जगह छोड़ देगा, ऑयल इसीलिए लगाया था। देखिए अभी जब ठंडा हो जाएगा बिल्कुल ही अपनी जगह छोड़ देगा। ज़रा सा पीछे प्लेट को उल्टा करके अब देखिए फ्रेंड्स, कस्टर्ड पाउडर लिया है मैंने और कॉर्नफ्लावर लिया है। कस्टर्ड मैंने लिया है वनीला फ्लेवर का, और ये है कच्चा दूध। सबसे पहले मैंने कच्चा दूध लिया है, और इसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर डाल लिया है, ये वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है। और ये मैंने एक चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। इनको अब मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ एक बाउल में। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा ये, देखिए चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे। भैया आइसक्रीम खानी है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अब हमने गैस को ऑन करके अब इसमें मैंने 500 ml दूध लिया है, ठंडा दूध था, फुल क्रीम दूध कह सकते हैं हम इसे। अब इसमें मैंने एक कटोरी चीनी डाली है,
अब देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। और फ्रेंड्स, कस्टर्ड जो पाउडर है वो हम इसीलिए इसमें ऐड करेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर कस्टर्ड पाउडर ना हो तो हमें दूध को ज़्यादा जलाना पड़ेगा, और कस्टर्ड पाउडर का फ़ायदा ही यही है कि हमें दूध को ज़्यादा, हमारी गैस ज़्यादा वेस्ट होगी। देखिए अब वो जो हमने पब बनाया था मैश तीन चीज़ों का, वो हम इसमें डाल देंगे। देखिए दूध मैंने ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया, आप नोटिस कर रहे होंगे इस चीज़ को। देखिए अब मैंने ये डाल दिया है। कस्टर्ड पाउडर का फ़ायदा यही है, आप देखना थोड़ी विद इन अ 5 मिनट्स दूध अपने आप ही ऑटोमेटिकली गाढ़ा हो जाएगा, यही फ़ायदा है इसका। देखिए अब इसे मिला देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम। देखिए दूध ने देखो गाढ़ा होना शुरू कर दिया है बिल्कुल। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, दूध की कंसिस्टेंसी देखिए कितना गाढ़ा दूध हो चुका है हमारा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है, बिल्कुल 5 मिनट में देखिए हमारे दूध बिल्कुल एकदम गाढ़ा हो चुका है। देखिए बस इसे अच्छे से, एक चीज़ याद रखनी है, बहुत अच्छे से चलाना है बिल्कुल। देखिए बस रेडी हो चुका है हमारा आइसक्रीम का, मैंगो आइसक्रीम का दूध। देखिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं, ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम मैंगो लेते हैं। ये देखिए मैंने लगभग 1 किलो आम लिए हैं, आम की तो मौज ही मौज है। अब देखिए मैंने इनका पल्प निकाल लिया है, और अब इसे मैं मैशर से, आप मिक्सी में भी कर सकते हैं इसे, मैं इसे कर लूँगी। देखिए अच्छे से हमें इसको बिल्कुल मिक्स करना है, जैसे हम मैंगो शेक के लिए करते हैं। देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें उसमें जो हमने बैटर तैयार किया था उसमें इसको एक बार मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, आप इसे मिक्सी में भी कर सकते हैं। इसमें मैंने किया था लेकिन मेरे से थोड़ा सा गिर भी गया था। ये देखिए थोड़ा सा छलक गया था, तो आराम से कंटिन्यू करिए मैं। ये देखिए बिल्कुल दोनों बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा बैटर तैयार हो चुका है आइसक्रीम का। ये देखिए बिल्कुल रेडी है, और जो ये हमने देखा कैरेमल क्रंच था ये हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल आराम से उतर जाएगा, और हम इसको क्रश कर लेंगे। ये देखिए, और अब बारी आती है मेन काम की, जिसके लिए हम इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, अभी का भी बहुत देर से वेट कर रही है। अब इनको हम कुछ नहीं करना, अब हमने सांचे में डालना है इन्हें। ये देखिए फ्रेंड्स, आधी किलो दूध में देखिए हम 2 दिन हमने आइसक्रीम खाई है। ये देखिए सांचे में भी, और फिर भी बच गई थी 1 डब्बे आइसक्रीम। ये देखिए अब मैं इन्हें सांचों में लगा देती हूँ। ये थोड़ा सा कैरेमल क्रंच मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं सिल्वर फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल लगा देती हूँ, और एक आइसक्रीम स्टिक इसमें डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं सारे सांचे तैयार कर लूँगी अपने। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। ये मैंने मटर भी स्टोर कर रखी है फ्रेंड्स, ख़राब नहीं होती हैं इस तरीके से, आप रखेंगे मटर को स्टोर तो सालों साल चलती हैं। ये देखिए ज़िप वाली आती हैं जो पन्नियाँ, उसमें हम स्टोर कर सकते हैं मटर, सालों साल चलाते हैं। और अब देखिए जो मेरा बैटर बच गया था उसको मैं प्लास्टिक के डब्बे में डाल देती हूँ। ये अब मैं इसके ऊपर कैरेमल क्रंच डाल देती हूँ बीच में, और फिर थोड़ा सा और बैटर डालने के बाद फिर सबसे ऊपर भी डाल देंगे हम। इससे बहुत ही क्रंची लगती है हमारी आइसक्रीम।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों को रात भर के लिए फ्रीजर में रख दिया है डब्बा भी, और अब मैं निकालती हूँ इन्हें नेक्स्ट डे। देखिए फ्रेंड्स, आइसक्रीम, वाओ, ये देखिए आप। एक मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कैसी लगती है देखने में। ये देखिए जो हमारा सांचा है, इसको थोड़ा सा पानी में आप डिप करके हाथ से एक बार, हाथ दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में करके आराम से ये अपनी जगह छोड़ देगा। ये देखिए, और ये दूसरी आइसक्रीम। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिए फ्रेंड्स, एक बार ट्राई ज़रूर करना। और ये देखिए, मैं डब्बे वाली भी आपको दिखाती हूँ निकाल के। ये देखिए कितनी अच्छी जम गई है, बिल्कुल बिल्कुल तैयार है, मार्केट से भी बहुत ही लजीज बनी थी फ्रेंड्स, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए मेरे पास आइसक्रीम का वो नहीं है स्कूप, मैं अभी कड़छी से ही निकाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। ये देखिए बिल्कुल मार्केट वाला फ्लेवर है, मैंगो आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। आइए और ज्वाइन कीजिए, और हाँ फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करें अपने घर पे, बहुत ही अच्छी बनती है, खाने में बहुत ही लाजवाब बनी थी। पहली बार ट्राई किया था, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, आप भी ट्राई करें मैंगो आइसक्रीम। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स।